हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं हिल्सा फिश की एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही फेमस एक मछली है। बेसिकली बंगाली ये बहुत पसंद करते हैं खाना, और बरसात के मौसम में इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस रेसिपी शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हरियाणा के फरीदाबाद का जो फिश मार्केट है वहां का फिश मार्केट थोड़ा सा दिखाऊंगी, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को प्रेस कर देना कि मेरे आने वाले रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मछली मार्केट देखते हैं घूम के, फिर उसके बाद रेसिपी शेयर करते हैं। ये कौन सा है भाई? है भाई, मेरा बड़ा बर्फ से पैक कर देना, बर्फ डाल दो, बर्फ थोड़ा ज्यादा डाल देना, पानी पर जाना है भाई। इसको पानी करके बर्फ इसमें डाल के सफेद पानी में इसको दे दो, पानी पर जाएगा हिस्सा। फरीदाबाद का फिश मार्केट है, यहाँ देखिए हर वैरायटी का फिश मिल जाता है। यहाँ पे ठीक हो भाई, इन सब मिल जाता है। ये कितने, एक किलो साइज का है? 1 किलो 300, 1 किलो 380 का है, ये 1600 रुपया किलो। चलो ठीक है, एक काटो। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी हिल्सा फिश की रेसिपी। ये बंगालीज का एक बहुत ही फेमस रेसिपी है एंड फिश भी है। ये फिश बहुत टेस्टी होता है खाने में। इस रेसिपी का नाम है जीरा हिल्सा फिश करी। ये जीरा और हरी मिर्च से ऑनली बनाया जाता है, बहुत ही अम्मी एंड टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, गरम चावल के साथ ये फिश खाने में बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी है। इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब एक रेसिपी है, बहुत यम्मी एंड टेस्टी होता है खाने में। तो चलिए अभी हम देखेंगे इसकी रेसिपी। तो हिल्सा फिश के लिए हमें मसाला तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून जीरा ले लिया है, साबुत जीरा, और 2 हरी मिर्च। आप चाहो तो मिक्सी में भी ये मसाला पेस्ट कर सकते हो, लेकिन सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाले का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी जीरा इलिश, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट कर सकते हो, या फिर जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीस के बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ इलिश का टुकड़ा मैंने ले लिया, या 700 ग्राम इलिश फिश है और इसमें अंडा भी है। तो अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। इसके लिए मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून हल्दी। आज हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अब मैं इसको अच्छे से लगा लूंगी नमक और हल्दी। और मैंने यहाँ लिया है एक बैगन को, लंबा लंबा शेपों में काट लिया है 4 टुकड़ा करके। और आप चाहो तो बिना बैगन के भी बना सकते हो, लेकिन बंगाली इलिश में बैगन जरूर डालते हैं। तो फिश को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसको हल्का सौते करके फ्राई करूंगी। आप कच्चा भी बना सकते हो, बट इसमें अंडा है इसलिए मैं हल्का इसको फ्राई करूंगी। फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। हिल्सा फिश मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं, तो अब मैं इसको फ्राई करूंगी। बरसात में हिल्सा में अंडा होते हैं और बहुत स्वाद होते हैं इस मछली में। और इधर मेरा मसाला भी पूरा पेस्ट हो गया है। फिश एक साइड से फ्राई हो गया था, मैंने पलट दिया है, अब ऑलरेडी फ्राई हो गया है दोनों साइड। अब मैं इसे तेल से निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, फिश मैंने तेल से निकाल लिया है, अब मैं उसी तेल में बैगन को फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, बैगन हमारा सॉफ्ट हो गया है। मैं बैगन को एक साइड में करके इसी तेल में मैं मसाला ऐड करूंगी। जो जीरा हमने पीस लिया था उस जीरा को मैं ऐड कर दिया है तेल में, इसको बैगन के साथ सॉफ्ट करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक
1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसमें बहुत बढ़िया कलर आते हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इस मसालों को अच्छे से मैं भून लूंगी। बैगन हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये फिश बनाने में। ये फिश इतना टेस्टी होता है, इसमें ज्यादा मसाले भी यूज नहीं होता है, ना अनियन, ना गार्लिक, ना प्याज, ना लहसुन, कुछ भी इसमें ऐड किए बिना ये बहुत बढ़िया टेस्ट होता है खाने में। फ्रेंड्स एक बार प्लीज आप ट्राई करना। तो मसाला हमारा भून गया है, देखिए मसाला ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। यहाँ 2 कप पानी का मैंने यूज किया है। अब मैं ग्रेवी में फिश ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट मछली होता है, बहुत ही केयरफुली इसे ऐड करना आप ग्रेवी में, बहुत सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम लो में करके इसको कवर करके कुक कर लूंगी, बस 3 मिनट। तो फ्रेंड्स फिश हमारा बनके तैयार है, गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। ये आप रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये फिश बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी होता है खाने के लिए। आप प्लीज इस रेसिपी को एक बार घर में ट्राई करना फ्रेंड्स। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल बटन को प्रेस कर देना कि मेरे आने वाले रेसिपी के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।